नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में दरोगा बहाली पर हाईकोर्ट के स्टे को लेकर संशय में चयनित अभ्यर्थी मुख्यालय जाकर मांगी जानकारी। बिहार में 2446 दरोगा की बहाली में चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे। बहाली पर स्टे के दावे की हकीकत को जानने आज बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी मुख्यालय पहुंचे। लंबे इंतजार के बाद कुछ अभ्यर्थियों को अंदर बुलाया गया और मामले से जुड़ी वार्ता हो सकी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाओं के अधीन दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली निकाली थी। अंतिम चरण को पास करने के बाद चयनित अभ्यर्थी में सहायक जेल अधीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन बचे हुए अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेरिट नंबर को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को चैलेंज किया था, जिसका पक्ष अधिवक्ता रितिका रानी अदालत में रख रही थी। बुधवार को अधिवक्ता रितिका रानी ने मीडिया के सामने यह दावा किया कि पटना हाईकोर्ट ने इस बहाली पर अभी स्टे लगा दिया है, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थी संबंधित ऑर्डर की कॉपी का इंतजार करते रहे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आयोग की तरफ से कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं मिली, तो इसका पुख्ता जानकारी लेने अभ्यर्थी शुक्रवार को मुख्यालय पहुंचे। मुजफ्फरपुर में आंख की रोशनी गंवाने वाले मरीजों का सरकार कराएगी मुफ्त इलाज, जानिए IGIMS में क्या है तैयारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की भारी लापरवाही से आंख की रोशनी गंवाने वाले मरीजों का अब बिहार सरकार मुफ्त में इलाज कराएगी। सरकार के इस फैसले से पीड़ित मरीजों के परिजनों को थोड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार ने कहा है कि उन सभी 15 मरीजों का जिनकी आंख की रोशनी चली गई है, इलाज IGIMS में मुफ्त कराया जाएगा। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। IGIMS में इन मरीजों के लिए अलग से एक डॉक्टरों की कमेटी का गठन किया गया है। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि शुक्रवार को सभी मरीजों को पटना पहुंचना है। अब तक 9 मरीज पहुंचे हैं, इनका इलाज शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने बताया कि 4 डॉक्टर समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। हर हाल में दोषियों को सजा मिलेगी। पटना एम्स में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग का हुआ उद्घाटन, थायरॉइड क्लिनिक का भी हुआ शुभारंभ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट यानी कि नाभिकीय चिकित्सा विभाग का उद्घाटन शुक्रवार को निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने किया है। न्यूक्लियर मेडिसिन के जरिए कोशिकाओं की फिजियोलॉजी और बायोलॉजी में आ रहे परिवर्तन के आधार पर चिकित्सा की जाती है। इस तकनीक के जरिए सुरक्षित और दर्द रहित चिकित्सा की जाती है, साथ ही यह कम खर्चीला भी होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन का उपयोग बोन स्कैन, गैलियम स्कैन, फेफड़े की स्कैनिंग, हेपेटोबिलरी स्कैन, ब्रिक स्कैन के साथ साथ थायराइड स्कैन के लिए भी किया जाता है। मालूम हो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षित तथा विकिरण चिकित्सा केंद्र, टाटा मेमोरियल अस्पताल और मुंबई के प्रतिष्ठित जसलोक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट के रूप में सेवा दे चुके डॉक्टर पैकेज कुमार की नियुक्ति हाल ही में पटना एम्स के नाभिकीय चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के पद पर हुई है। नवादा में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 18 शिक्षक हुए बर्खास्त। जिले में 300 से अधिक शिक्षक निगरानी के रडार पर। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का डंडा चला है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में 18 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद उन्हें बर्खास्त कर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही उनके द्वारा अब तक लिए गए कुल वेतन को भी वापस करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी और स्थापना DPO दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र के पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता गया प्रक्षेत्र लाल मोहम्मद की ओर से जांच के बाद दी गई रिपोर्ट के अनुसार सभी संबंधित थाना क्षेत्र में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। असुद्दीन ओवैसी ने खोला बड़ा राज, लालू परिवार ने मान ली होती मेरी बात तो आज तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMI के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ओवैसी ने कहा कि अगर लालू परिवार ने उनकी बात मान ली होती तो बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते, बल्कि CM की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे होते। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी बात नहीं मानकर लालू
यादव और उनके परिवार ने सबसे बड़ी भूल की है। ओवैसी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह राज खोला। उन्होंने कहा कि 2020 के बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव और राजद ने उनकी बात नहीं सुनी। ओवैसी बोले, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैंने कई दफे लालू यादव या तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बात करने को तैयार नहीं हुए। अपनी उसी गलती के कारण तेजस्वी विपक्ष में बैठे हुए हैं। दरअसल ओवैसी से सवाल किया गया था कि क्या उनके कारण बीजेपी को फायदा होता है, तो ओवैसी ने कहा कि उनसे बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। बिहार में अगर एनडीए सत्ता में आ गई तो इसके लिए राजद जिम्मेवार है। बिहार के औद्योगिक विकास में एमएसएमई का होगा सबसे बड़ा योगदान, शाहनवाज। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पटना में पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित एमएसएमई विकास संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से पटना पहुंचे एमएसएमई अभियान दल को अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए एमएसएमई से जुड़ी सरकार की सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से राष्ट्रव्यापी अभियान चल रही है। इसी कोशिश के तहत एमएसएमई अभियान का एक दल 5 राज्यों में जागरूकता फैलाने के मकसद से दिल्ली से बिहार पहुंचा है। इस अभियान दल को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने झंडा दिखाकर बिहार में जागरूकता फैलाने के लिए रवाना किया। ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट पर अलर्ट, विशेष टीम के साथ 2 मेडिकल ऑफिसर तैनात। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दरभंगा हवाई अड्डे में अलर्ट जारी किया गया है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले लोगों की जांच होगी। संबंधित लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर 2 मेडिकल ऑफिसर की विशेष टीम के साथ तैनात किया गया है। वहीं जिले में भी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को भी इस संबंध में कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसएस आलम ने बताया कि राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश पर 2 मेडिकल टीम का गठन किया गया, जो 2 पालियों में एयरपोर्ट पर तैनात की गई है, जो बाहर से आए हर लोगों की एनटीपीसीआर कर उन्हें बाहर जाने दिया जाता है। अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। बाहर से आने वाले यात्रियों ने राज्य सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए कोरोना के रोकथाम के लिए इसे जरूरी बताया। वहीं दरभंगा के पूर्व सांसद सह पूर्व क्रिकेटर कृति झा आजाद ने कहा कि मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूं। हमने कोविशील्ड के 2 टीके लगा लिए थे, लेकिन हमने बाहर निकलते ही देखा कि डॉक्टरों की पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में लगी हुई है। इसीलिए एक भारतीय होने के नाते हमने भी अपनी जांच करा ली। जवाद चक्रवाती तूफान को लेकर 7 ट्रेनें रद्द, पटना से आज चलने वाली एर्नाकुलम भी कैंसिल। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर रेलवे ने 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। आज पटना से खुलने वाली एर्नाकुलम एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। अचानक ट्रेनों को रद्द होने से यात्री परेशान है। रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के खत्म होने के बाद मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तटों पर इस चक्रवाती तूफान के पहुंचने की आशंका जताई गई है। जवाद तूफान को लेकर रेलवे भी एहतियात बरत रहा है। इन रूटों से होकर गुजरने वाली 95 ट्रेनों को 3-4 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एम्स से मिली छुट्टी, हफ्ते भर बाद घर लौटे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ी ताजा खबर दिल्ली से आ रही है। हफ्ते भर से एम्स में भर्ती लालू यादव को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 26 नवंबर के दिन एम्स की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था, जहां उसके बाद उन्हें एम्स के आईसीयू वार्ड में इलाज के लिए रखा गया था। बता दें कि बुखार और चक्कर आने की शिकायत के बाद लालू यादव दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार हुआ है। दिल्ली एम्स से छुट्टी मिलने के बाद लालू यादव एक बार फिर अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर वापस लौट आए हैं। लालू यादव के साथ बेटी मीसा भारती अस्पताल से लेकर उन्हें घर पहुंची। लालू यादव को अब बुखार नहीं है। लालू यादव का शुगर लेवल भी पहले से ठीक बताया जा रहा है। हालांकि उनका क्रिएटिनिन लेवल अभी ऊपर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है। फिलहाल वह झारखंड हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा है। उनके खिलाफ डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई तेज हो चुकी है। लालू यादव के खिलाफ पटना कोर्ट में भी बांका ट्रेजरी से जुड़े मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है।
बिहार में होगी जातीय जनगणना, नीतीश ने तेजस्वी को दिया भरोसा, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे तक हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है तो बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराई इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आज एक बार फिर इसी मामले को लेकर मुलाकात की थी। तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर एकजुटता दिखाई है। विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।